हेलो, नोट दिस नंबर PY01M5627। इसे यहाँ से आगे मत जाने देना। ठीक है। PY01M5627। रोको रोको, राजू राजू आप इसे जानती हैं? ये तो बार डांसर रोजी है। ये आइटम कहाँ मिलेगा? KGF। KGF? ये तो बियर का नाम है ना? कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ के लोकल बार में डांसर है। आई सावन जो नाचू छम छम महके।
यहाँ कैटरीना, ऐश्वर्या, आलिया सब मिलेंगी। मुझे वो सब नहीं चाहिए, ये बस ये चाहिए। सर ये तो रोजी है, रेट बहुत ज्यादा है। एक रात के लिए लाखों लेती है, एक घंटे का 10,000। बहुत कंडीशन है सर उसकी। सर वो आपको पसंद आ गई क्या? मैं इससे शादी करने नहीं आया हूँ। सर आपको दूसरी भी पसंद आ जाएगी। तुम जल्दी बात करके आओ, मेरे पास समय बहुत कम है। ठीक है ठीक है। इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, कहाँ से आए हो? बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। ये पैसे तुम्हारे लिए हैं, इन्हें रख लो और मेरे साथ चलो। ए, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। इस जगह के बारे में तुम जानते नहीं हो, अगर भगवान चाहे तो भी यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अंजलि पता है ना कौन है? बहुत गर्म औरत है वो। लेकिन मैं कूल हूं ना, समझा दूंगा उसे। फिर भी अगर वो ना मानी तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अंजलि दीदी, क्या मनी, तुम्हारे क्लाइंट को यहाँ से वापस जिंदा जाना है कि नहीं? फालतू बातें नहीं सुननी है मुझे, मुझे पता है वापस कैसे जाना है। जाने दो दीदी। यहाँ के किसी कस्टमर ने भाई से कहा कि भाई रोजी बहुत कमाल का कैबरे डांस करती है। बस भाई के दिमाग में वो बात बैठ गई। भाई? पानाजी बेनेडिक्ट, गोवा का सी फूड एक्सपोर्टर। भाई के दिल को जो पसंद आ गया तो वो मछली चाहे समुद्र की हो या तालाब की, भाई की बोट में पहुंचनी चाहिए। अब कल से रोजी का आइटम डांस वहां अरेबियन सी पर होगा, भाई की बोट पर। अगर मैं ना कहूं तो? मौत मिलेगी, यहां रहने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम जो यहां पर होलसेल में दुकान चला रही हो ना, ये सब शमशान में बदल जाएगा। तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर तुमने मना किया तो तुम जान जाओगे पानाजी बेनेडिक्ट को। ये लो, भाई ने रोजी की ये कीमत भेजी है, एक दिन का 1,00,000। ये पूरे 7,00,000 हैं। 8वें दिन तुम्हारी रोजी यहां होगी, ये वादा है। देखो इस डील में सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। तो फिर रोजी की गारंटी कौन लेगा?
दीदी मैं गारंटी देता हूँ, अभी रोजी को तैयार होने के लिए बोल दो। क्या बोला अभी? अगर अभी निकलेंगे तो कल सुबह तक हम गोवा पहुँच जाएंगे। जितना भी टिप्स मिले उसे गोवा में ही खर्च मत कर देना, समझ गई ना? गोवा में? गोवा कौन जा रहा है? मैं तो मुंबई जा रही हूँ, वहाँ रोहित शेट्टी है ना। रोहित शेट्टी? कौन सा रोहित शेट्टी? डायरेक्टर रोहित शेट्टी। महेश भट्ट, विक्रम भट्ट, मेरी जरूरत के लोग वहीं पर है ना। आइटम गर्ल बनना मेरा ड्रीम है यार। हाँ, पर वो आदमी तुझे मुंबई जाने देगा क्या? हाँ, कैसे नहीं जाने देगा। ऑन द वे उसको जान से मारकर मुंबई भाग जाऊंगी मैं। आखिर तेरा प्लान क्या है? जी मालिक, यही इंतजार कर। हाँ? मैं जरा होकर आता हूँ, जब बुलाऊं तभी आना। ठीक है। क्या अंजलि, वो मेरी जाने मन रानी तैयार है ना? सुनिए ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। जेपी, यही उस बार का ओनर है। तो यही है जेपी। तेरे इतने हिम्मत, मेरे एरिया में आके मेरी लड़की उठा के ले जा रहा है। रोजी को कुछ नहीं होगा, इसे मैं खुद आपके पास लेकर आऊंगा। पहले यहाँ से जिंदा जाएगा तो वापस आएगा ना। क्या कहा था तूने? पानाजी बेनेडिक्ट? कौन है पानाजी बेनेडिक्ट? वो मेरे बिजनेस को मिट्टी में मिलाएगा? अरे पहले तू यहाँ से बचकर जाएगा तब ना भीमा, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ओए, कस्टमर्स मेरे लिए भगवान जैसे हैं, वो आए और डांस देखकर चले जाए, लेकिन डांसर को नहीं ले जा सकते। ए, बोल मत मार इसे। तो बोलो कहाँ जाना है? मनोज, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अनजाने शहर में हेल्प करने वाले कम ही मिलते हैं। मुझे डर लग रहा था कहीं से लोगों ने देख लिया तो पता नहीं हमारा क्या हाल करते हैं। रिश्तेदार हैं क्या? नहीं भाई, हम दोनों लवर्स हैं। नई सुबह से नई जिंदगी। देखो अब तुम चिंता मत करो, अबे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। कितने साल हो गए तुम्हारे रिश्ते को? 4। ओह, 4 साल हो गए? नहीं, 4 घंटे हुए हैं। मैं अपने काम से फ्री होकर डांस देखने चला गया था, पता चला कि इसे अगवा करके रखा हुआ है। तुम ऐसे भगा लाया? आपकी ब्लास्टिंग मैंने देखी, इसलिए आपकी तरह मैं और अंजलि भाग निकले। थैंक्स। अरे नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है। भाई जैसा दिखता है वैसा है नहीं, भाई का असली चेहरा कुछ और ही है। ए, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी हम बैंगलोर जाएंगे, वहाँ 2-3 दिन दोस्तों के पास रुककर सीधे दिल्ली निकल जाएंगे, वहीं हम घर बसाएंगे। भाई थोड़ा तेज चलाओ ना। भाई कहीं बस ना निकल जाए इसलिए। 4 घंटे में हम बैंगलोर पहुँच जाएंगे। भाई बस यहीं रुक जाओ। थैंक्स भाई।
हैप्पी मैरिड लाइफ। बहुत समझदार। वैसे मैं भी समझदार हूँ। और हाँ, वही जैसा मैंने कहा था ना, कोई बस आते ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं उसके बाद। वो जो कह रहा था वो सच था क्या? तुम मुझे सच में पसंद करते हो? मैं जिसे पसंद करूंगा उसे ऐसे लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा तरीका नहीं है। बस ये समझ लो कि मैंने तुम्हें उन लोगों से बचा लिया। झूठ झूठ झूठ, सच बोलो ना, कौन हो तुम? उसका नाम क्या है? मणि ने उसका नाम राजा या राजू ऐसा ही कुछ बताया था। मंटो, वो रास्ते में कहीं भी दिखे उसे मार डालो। तुमने यहाँ पर एक चोर जैसी शक्ल का इंसान देखा था क्या? ओहो, मतलब तुम्हें अब मेरी शक्ल से प्रॉब्लम होने लगी है, इसीलिए मुझे यहीं छोड़कर भाग गए। मैं कब से इसके छोले चावल खा रहा हूँ, समझा? बकवास छोड़ और जाकर गाड़ी पर ध्यान दे। भाई आइटम मिल गए ना? मुझे इसका कैबरे देखना है। अरे बाप रे, मैं जाकर इंट्रोडक्शन दे के आता हूँ। ऐ जज्बाती मत बन, सुन, गाड़ी का रेडिएटर जरा गर्म हो गया है, उसमें पानी डाल और उसे ठंडा कर, जा जल्दी। ओहो, भाई को बस रेडिएटर ही गर्म नजर आता है। अरे सुनो, अरे जरा पानी देना मुझे, लगता है मुझे ही लाना पड़ेगा। अरे भाई, यहाँ से हाईवे जाने के लिए कोई इजी रूट है क्या? सीधे जाकर राइट मोड़ोगे, फिर सीधे चले जाना, एक छोटा रास्ता आएगा, वहाँ से सीधे निकल जाना। सीधे? हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ मैडम, आपने जो फोटो भेजी है उसमें जो आदमी है वो मेरे ही सामने है, उसे शक नहीं हुआ। ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है। ये क्या किया, कौन था ये? चल जल्दी चल। पर कौन था वो?
उस दिन नहीं लेकिन आज तू मेरे पास है। छोड़ो मुझे। मुझे वो दिन आज भी याद है। उस दिन तूने मुझ पर हाथ उठाया था ना, मैंने छू क्या लिया तुझे के को इतना बुरा लगा। कल सुबह तेरी डेड बॉडी उसके सामने होगी। अब देखता हूँ कि कौन सा जेके आकर तुझे बचाता है। अब याद रखना, तुम्हें गाड़ी से किसी भी कीमत पर नहीं उतरना है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस चीज को खरीदा है उसे मुझे बर्बाद करना भी आता है, समझ गई ना? अरे सत्या कूल, रोजी आइटम डांस करती है ना, अगर कोई बोले तो वो उसे मना कैसे कर सकती है यार। ए, आखिर ये चोर है कौन? तो तुमने मेरे बारे में इसे नहीं बताया? I am Tony, Tony Manoj. वैसे मुझे बताओ तुम्हारा नाम रोजी कब से हो गया? ए, वो सब छोड़ो, एक सिगरेट दो मुझे। सिगरेट? मेंथोल। यहाँ सुबह से खाने के वांदे है, मेंथोल कहाँ से आएगी? हाँ सिगरेट नहीं है, चाहो तो फूल मिलेगा, एकदम ताजा है। गाड़ी रुको। ऐ, अब ये गाड़ी गोवा पहुँच कर ही रुकेगी। मुझे बताया भी नहीं। मुझे प्यास लगी है। सत्य इसे पानी पिला दे यार, पानी के लिए चिल्ला रही है। ये लो। हे, ये नहीं चाहिए मुझे। हे भगवान, इसकी प्यास का मतलब अब समझ में आया, ये तो मुंह लगा कर शुरू हो गई। वहाँ मुझे क्वार्टर मिल जाती तो ये गाड़ी डिस्कोथेक बन जाती। हेलो मुकेश सर, हमारी डांसर रोजी को कोई अगवा करके ले गया है। गोवा हाईवे रूट पर प्लीज चेक कीजिए सर। हाँ सर, ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। सर वो जो अंजलिका है ना, उसके क्लब से किसी लड़की को कोई उठाकर ले जा रहा है। व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, देखिए ना। चल आ। अरे सत्या, पुलिस तो इधर ही आ रही है भाई। कहाँ जा रहे हो? हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो बस ऐसे गोवा जा रहे हैं सर। क्या नाम है तुम्हारा? कामेश्वरी राम कुमारी सर। क्या नाम है भाई है? आज के जमाने में ऐसा नाम। वैसे तुम? मैं मणिरत्न, अब डायमंड मर्चेंट हूँ। कहाँ से आ रहे हो? तिरुपति सर। हाँ तिरुपति गए, वहाँ पर पूजा की। गोविंदा। गोविंदा, अच्छा है। तिरुपति प्रसाद है क्या? अब वो खत्म हो गया सर। तिरुपति का प्रसाद खत्म हो गया, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। गोविंदा। कामेश्वरी राम कुमारी, क्या नाम है। सर रोजी को देखो सर, क्या मस्त लगती है ना सर। इधर देख, यही लड़की तो जीपे थी। सर ये लड़की? हाँ यार, तब तो रोजी ही थी। नहीं यार, उसका नाम तो कामेश्वरी है, वो तो तिरुपति से आ रही थी। सर उसने आपको बेवकूफ बना दिया। गाड़ी स्टार्ट कर। सर ड्राइवर गया है आपके लिए चखना लाने। बुलाओ अभी उसे। सर थैंक्स। किस लिए? अगर तुम वहाँ मेरे बारे में कुछ बताती तो इससे मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। अगर तुम मेरी गर्दन पर ब्लेड ना भी रखते ना, तो भी मैं शोर नहीं मचाती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो पुलिस वाले अंजलि से मिले हैं। क्या बात है रोजी। ए, मुंह बंद कर, गाड़ी चला। मुंह बंद करके गाड़ी चलाना है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ओए गाड़ी रोक। अब क्या हुआ? मुझे एक नंबर जाना है। गाड़ी रोकनी है क्या सत्या? रोकेगा तो तुम मरेगा। ओ, इस लड़की ने तो दिमाग खराब करके रखा है। मेरे पास एक आइडिया है, अभी फिलहाल इस बोतल से काम चला लो, बाद में आगे कहीं रोक लेंगे। उस तरफ घुमो ना। हो गया क्या? ए, तू इधर क्यों देख रहा है? इधर देखेगा तो मार खाएगा। अरे मैं तो बस गियर बदल रहा था।
कौन है इतनी रात को आकर दरवाजा खटखटा रही है? ए चमेली, तेरा ये खेल मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी? ये चामुंडा माता की ताबीज देख रही है ना, जा ये एरिया छोड़कर चली जा, चली जा, ये एरिया छोड़कर चली जा। सत्या, इसकी मार से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में शरबत बन गया है। उसमें तू एक स्ट्रॉ डाल और करके शरबत पी जा। अरे बाप रे भाई, तो मुझ पे हंस मत, इसका अगला निशाना तेरी खोपड़ी है। बुरा मत मानना, एक बात पूछता हूँ, कौन सा मुहूर्त देख के तूने इसे गाड़ी में बैठाया था यार? ये अपने लिए बिल्कुल सही नहीं है भाई। hey, टोनी, प्लीज देख, हमारे आगे पीछे मौत हमारा पीछा कर रही है, क्योंकि हमारी इस रेस का एक एम है ना। मेरा भी एक गेम है, फिल्म में आइटम गर्ल बनना, और उसके लिए मुझे मुंबई जाना है। अगर वहाँ पहुँच गई ना तो मुझे बहुत सारे चांस मिलेंगे। ए, प्लीज मुझे मुंबई लेकर चलो ना, प्लीज। आ तो जाना। उतार देना भाई इसे, कहाँ से ढूंढा इस फुलझड़ी को। हाँ, तेरे मुंह में घी से कर। ए, सुनो, मुझे यहीं छोड़ दो ना प्लीज। मैं तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर नहीं आया हूँ, चाहे किसी का खून भी क्यों ना करना पड़े, फिनिशिंग पॉइंट तक तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। खून? किसका खून करने वाले हो तुम? ए, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, बताओ, बताओ ना मुझे। मुझे मार डालो तुम लोग। तुम इतना जान लो कि ये एक जिंदगी का खेल है, एश्योर सक्सेस गेम। इस खेल में तुम मेरी ट्रम्प कार्ड हो। जिस दिन इस गेम के बारे में जान जाओगी तुम खुश हो जाओगी, ये मेरा वादा है। प्लीज बताओ ना, कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, प्लीज बताओ ना। पुदुचेरी। ये है पांडिचेरी, मतलब पुदुचेरी। फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया एक शहर, इंडिया में कैसीनो सिटी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, मलेशिया श्रीलंका के बाद एशिया में आठवें स्थान पर यहाँ पुदुचेरी में रमी का खेल काफी फेमस है। यहाँ के ऐतिहासिक जगहों को देखने के साथ साथ यहाँ आने वाले टूरिस्ट ताश के खेल को खेलकर अपना भाग्य आजमाते हैं, और यहाँ पर दुनिया भर से रमी प्लेयर्स आते हैं। पुदुचेरी में जाना माना है एक स्टार क्लब कोलिया, करोड़ों की प्राइस मनी, एक पॉइंट लाखों का। रमी का एडिक्ट होकर जीने वाले कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता, क्रिकेट प्लेयर्स और फिल्म स्टार्स की ये पसंदीदा जगह है। उनके हाथों में पत्तों के साथ साथ लाखों करोड़ों की बारिश होती है। ताश के एक खेल से यहाँ पे लोग जिंदगी में राजा बन जाते हैं और कभी कभी जोकर बन जाते हैं। यही है इस पुदुचेरी की एक कहावत, इस खेल का मैजिक। इस शहर में प्यार कम, मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। I need a binami. कहाँ हो सत्या? कहाँ है? आज डेविड का लकी डे नहीं है, सत्या को यहाँ आना होगा। सत्या रास्ते में है, डोंट वरी। 10 लाख अभी चाहिए। अगला राउंड बॉस की जगह सत्या ही खेलेगा, सो ही मस्ट बी हियर विद कैश। एक दिन में लाखों में खेलने वाला ये खेल रमी टेबल पर खेला जाता है। डेविड एक बेनामी प्लेयर बैठाने वाला है, सत्या। He's a lucky player and also a big hawala racketeer. Now it's your turn, Sandhya. I will, sir. Hello? सुनो, कोलियात में डेविड इंतजार कर रहा है। कहाँ है सत्या?
डेविड ने कहा था कि पैसे भेज देना। संभल कर जाना, सड़क पर हर जगह पुलिस है। रुको रुको रुको, गाड़ी चेक करनी है। सारे पेपर्स लेके वहां मैडम के पास जाओ। कांस्टेबल, गाड़ी अच्छी तरह से चेक करो। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। नाम क्या है तुम्हारा? सत्या, खबरी मैन सत्या। क्या? वो क्या है, सब जगह मेरी खबर पहुंच जाती है, इसीलिए लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। मैं कौन हूँ ये पता है? संध्या, सब इंस्पेक्टर। ओह मैडम शहर में नहीं आई हैं। नमस्ते मैडम। ओपन द बैग। क्या? ओपन द बैग। ओ ये क्या है? कैश, मनी, मनी। ब्लैक है? ब्लैक ही है। और ये? यही मेरा कैश है, माई सोर्स ऑफ मनी मैन। अब तुम जा सकते हो, पर हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे पीछे क्यों मैडम, मेरे साथ चलो ना। तेरी तो? अरे मैं आपको दीदी बोलूंगा मैडम। ओए, चल, निकल। मैडम इसे छोड़ क्यों दिया? इस पौंडेचरी में वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी टाइम है, तुम जाओ। Ready to play again? Yes. और कैश भी आ जाएगा। रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही है, वो नहीं आ पाएगा। पैसे नहीं है तो बेंच की चाबी रख के खेल लो ना डेविड, एक अच्छे मर्द की तरह। Meet my binami, Satya. अब मेरी जगह ये तुम्हारे साथ खेलेगा। तू कैसे बचकर निकल आया? Today is my day, sir. रमी में एक भी कार्ड वेस्ट नहीं गया। एवरी गेम वॉज वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तुम्हारे खेलने का तरीका मुझे पसंद आया। आई लाइक यू सत्या। थैंक यू सर। नो नो नॉट सर, आई एम योर फ्रेंड। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? बोलिए, अभी हम लोग अकेले हैं। या आई फील टेरिबल लोनलीनेस इन माय लाइफ। सर अब ये सस्पेंस क्रिएट ना करके सीधे मुद्दे पर आएंगे तो ही समझूंगा। अब मुझे तुमसे
कुछ भी नहीं छुपाना। मेरी लाइफ का रिमोट अभी किसी और के हाथ में है। माय एक्स लवर मीनल पॉल, तुम्हारे और मेरी तरफ वो भी साउथ इंडियन ही है, लेकिन यही रहती है। Now I need the weapon. मुझे उससे छुटकारा चाहिए। तुम्हें पता है? She is blackmailing me. Yes, this is blackmailing. मेरे father Indian Army में major थे। तो उसमें मैं क्या करूँ? मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है। मुझे आज इसका फैसला करना है। तुम्हें अपनी wife चाहिए या फिर मैं? बच्चे उससे पैदा करोगे और मजे मुझसे लोगे? पैसे देकर लोगों को रास्ते से हटा देते हो ना? मैं सब जानती हूँ। Meenal, please. बाकी लड़कियों की तरह मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करना। दिस इज मीनल। तुम्हारे सारे कारनामों की लिस्ट मेरे पास है, मेरे पर्सनल हार्ड डिस्क में। उसे मैं दे दूंगी, तुम्हारी पत्नी को नहीं, तुम्हारे ससुर जी को, मिस्टर रेड्डी को। कहूंगी कि इतने दिनों से ये तुम्हारी बेटी को धोखा दे रहा था, फिर वो हैदराबाद से सीधा यहाँ आएंगे और अपने घर से तुम्हें बाहर निकाल देंगे। फिर पूरे शहर में तुम भीख मांगना भिखारियों की तरह। उसके हाथों से वो हार्ड डिस्क मुझे अपने पास चाहिए। वो ही उसका ट्रम्प कार्ड है। तुम्हें ताश के खेल में नहीं जीतना है, तुम्हें इस खेल में जीतना होगा। मेरा बिनामी प्लेयर बनकर मुझे मेरी वाइफ, मेरी बच्ची चाहिए। उन्हें सिर्फ तुम बचा सकते हो मेरे लिए। इस गेम में तुम्हारी डिमांड तुम्हारी प्राइज मनी होगी, और तुम जो लेकर आओगे वो सिर्फ हार्ड डिस्क नहीं है, दैट्स माय लाइफ। मेरे लिए तो बस ये एक केस है। आई डू इट। अब तो मैं आपका बिनामी हो गया हूं ना, तो मुझे आपकी सारी डिटेल्स चाहिए। तुझा जब भी मैं किसी टूरिस्ट को अपनी बाइक पर लेप देता हूं तो वो घर बुलाकर चाय पिलाते हैं। अरे चल जा।
इटली वाला फुलफियो फैंटोनियो। ये कौन है? जानते हो वो इस दुनिया का 8वें नंबर का ताश का प्लेयर है। इसे पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा? इस धरती पर कई तरह के ब्रिज क्लब बनाना फुलफियो का एक सपना था, लेकिन वो तो पैसे वाला था। वैसे ही मेरा भी एक सपना है, इस पांडिचेरी में एक स्टाइल का रमी क्लब। सैकड़ों की तादाद में प्लेयर्स, करोड़ों अरबों रुपए हैं, फूड्स, फ्रेंड्स एंड फन, 24 आवर्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस में डूबा रहना चाहता हूं मैं। वैसे इस हैप्पीनेस का डेविड से क्या मतलब? उस क्लब को बनाने में डेविड हेल्प करेगा, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के पैसे, ये तो नकली नोट है, ये तो सीधे सेंट्रल जेल जाने का टिकट है, यू नो। मैंने रोहित से डेविड के बारे में पूछा था, उसने मुझे सब बता दिया। उस डेविड की ना तो बेबी है ना ही बच्चे है। अरे उसने बेबी की झूठी कहानी बनाई है। वो हार्ड डिस्क उसकी नहीं है, श्योर उसमें कुछ और ही होगा। अरे तूने उसे दे तो नहीं दी ना? हेलो, हाँ रीमान जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुन रही है ना आप? हाँ हाँ हाँ, वही रिमोंटी, शाम को मिलना है ना? मैं कार लेकर एयरपोर्ट जा रही हूँ। हाँ और एक और बात, हाँ एंट्री डोर के साथ मैंने सारी जगह के लॉक्स चेंज कर दी हैं। 2124 ये नया नंबर है, ठीक है आंटी? टू वन टू फोर। देखो मैं कोई चोर नहीं हूं। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बोलता है। मैं बस एक रम्मी प्लेयर हूं। सीरियसली? क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, शटल प्लेयर तो सुना था, लेकिन ताश के पत्तों का भी कोई खिलाड़ी होता ये नहीं पता था। क्या आइडिया लगा है, सुपर्ब। खुद का एक कैसिनो, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद कोई और बैंक तो लोन सैंक्शन करेगा ही नहीं। डेविड हेल्प करेगा। ओह, उसके कहने पर ही मैं आपके घर हार्ड डिस्क लेने आया था। उस हार्ड डिस्क में उसकी जिंदगी है, ये बात वो जानता है। वो उसे ही नहीं, अब मुझे भी जानता है। लेकिन अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ हो जाऊँ। तो अब तुम क्या करने वाले हो? पुदुचेरी का ग्रैंड प्लेयर बनकर दिखा दूंगा मैं, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, यू नो। क्या है इसमें बताओ? इंदु और मैं एक साथ बैंक में काम करते थे। वो मेरी सीनियर थी, बैंक की मैनेजर। सिर्फ एक कस्टमर और मैनेजर का रिलेशनशिप नहीं था उसके और डेविड के बीच। डेविड का इरादा प्यार करने का नहीं था, बल्कि उसे धोखा देके बैंक से लोन लेकर भागने का था, और उसके जरिए उसने बैंक को बेवकूफ बना दिया। उस धोखे के बाद इंदु ने अपनी जिंदगी को फुल स्टॉप लगा दिया। आत्महत्या करने से पहले उसने हर बात का खुलासा किया, और उसके बाद उसने खुद को शूट कर लिया, और उसका वीडियो क्लिप इस हार्ड डिस्क में है। अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है? ऐसा कुछ नहीं है, बैंक को करोड़ों का लॉस हुआ है, और मैं अपनी दोस्त को भगवान के पास से वापस तो नहीं ला सकती ना। मैडम सेंटी भी हैं। दोस्त की मौत का बदला और बैंक का लॉस चुकता करना, वो मैं पूरा करवा सकता हूँ। बदले में मुझे क्या मिलेगा? Now this is a play. मिनल के लॉकर में जो हार्ड डिस्क है उसमें बैंक मैनेजर इंदु का सुसाइड नोट है। ये तू जानता था, मिनल जानती थी, और अब मैं भी। इंदु का डेथ नोट जिसे तू पाना चाहता है, अब वो हार्ड डिस्क मेरे हाथों में है। अब मुझे तेरा फ्यूचर बदलना है। प्लेइंग फील्ड में तू और मिनल नहीं, अब मैं और तू है, सत्या एंड डेविड। मौका मिलते ही बाजी मारने वाला ही होता है बेस्ट प्लेयर। I am a that type man. Shut.
बैंक में टोटल ड्यू जमा कर दिया है। यही चाहते थे ना तुम? मैं नहीं चाहता था, तू चाहता था। उस मैनेजर इंदु के साथ किए धोखे के बदले तुझे कुछ तो सजा मिलनी चाहिए ना। उसकी जिंदगी के बदले उसके परिवार को तुझे 2 करोड़ देने होंगे। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। यह इंदु की जान की कीमत नहीं है, तूने उसके साथ जो पाप किया उसका प्रायश्चित है। बोल कब देगा? ओके। वो हार्ड डिस्क? मेरा वादा पक्का है, हमने जैसा कहा उसने वैसा कर दिया। तब वो उसकी हुई, मैंने उसे दे दी। क्यों, डेविड से तुम्हें कुछ सेटल करना था क्या? नो। चलो मेरी मदद से कुछ लोग खुश हुए, तुम, बैंक, इंदु के घर वाले, सबको अच्छा लगा। अब हम भी चले अपने पांडिचेरी के रास्ते। और क्या, अब मेरा तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, मुझे लाइफ में बहुत काम है भाई। जैसे कि? अपना लोन तो अभी भी पेंडिंग है ना। तो चलो मैडम। रुको। हाँ, अब चलो। लेकिन कहाँ? अब यहाँ से निकलेंगे तो कहीं तो घूमेंगे ना। वैसे इस जुए के अलावा और कोई काम भी करते हो क्या, या हमेशा ताश के पत्तों में ही घुसे रहते हो? ये एक ऐतिहासिक खेल है, नेपोलियन सीसर अलेक्जेंडर इन्होंने बनाया है। ओ। साक्षात किस्मत की देवी वहाँ पर बैठी रहती है मैडम जी। ओ, इसका मतलब अब इन पत्तों पर ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। मेरी किस्मत तो पत्तों में ही है। तुम्हें खुद का एक रमी क्लब खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए? कुछ 50 लाख, बाकी जुगाड़ हो जाएगा। ओ। मेरे मन में जो रमी क्लब है वो पुद्दुचेरी के बीच साइड में होगा, फुल्ली एयर कंडीशन, और उसके अंदर एक खूबसूरत बार भी होगा। वहाँ खेल मस्ती के साथ होगा, बार गर्ल्स मस्त रशियन इटालियन स्टाइलिश लड़कियाँ होंगी। और बारों की तरह नहीं, जहाँ पर आलतू फालतू लड़कियाँ भी बार गर्ल्स होती हैं। ओके। और एक छोटा सा लैटिन अमेरिकन म्यूजिक बैंड, कोपेचिनो, चिनो, वाउ। ईजे रमी क्लब पुदुचेरी रेड्डी। इस तरह का दूसरा कोई भी क्लब इंडिया में नहीं होगा। ईजे? यस, एक्स्ट्रा जोकर रमी क्लब। मतलब अपने ही नाम पर क्लब बना रहे हो? बस लोन तो पास होने दो, उसके बाद बैंक वालों को पता चल जाएगा कि मैं जोकर हूँ या किंग हूँ। अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। उसमें बताने लायक कोई ट्विस्ट या थ्रिल नहीं है, एक साधारण सिंपल कहानी है। फैमिली? सिंगल। माही मेरा गांव है, मेरे पापा माही के बेस्ट ताश के खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें रम्मी यहां तक खींच लाई, पुदुचेरी तक। सिर्फ ताश खेलने के लिए पापा यहां चले आए थे, यहां उन्होंने बहुत खेला, राजा की तरह जीत उनकी ही होती थी। एक बार वो राजा खेल में हार गया, उसके बाद जब एक बार वो हारे तो बस वो हारते ही चले गए, उनके पास पैसे भी नहीं बचे, तो एक गेम में पापा ने मुझे ही दांव पर लगा दिया और उस खेल में भी वो हार गए। ताश की गड्डी मेरे हाथों में थमाकर, अपना सब कुछ हारकर पापा इसी समुद्र में मिल गए। उस क्रिस्टिफर के बेटे सत्या को हराने वाला आज पूरे पुद्दुचेरी में कोई रम्मी का खिलाड़ी नहीं है। Cards is the most important thing in my life. Are you a romantic person? Of course. I love cards, cash and my game. तुम्हारा लोन सैंक्शन समझो, बैंक से नहीं मुझसे। थैंक यू। क्यों, भरोसा नहीं है क्या? मेरे पापा मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ के गए हैं, अब नुकसान हो या मुनाफा 50-50। अच्छा, नुकसान? कैश फ्रॉम योर साइड एंड लक फ्रॉम माय साइड, लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ लक,
अपना एक्स्ट्रा जोकर क्लब धमाल करेगा। अच्छा, मुझे उस पल का इंतजार है। गुड नाइट। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? उस वाइन को थोड़ा कम पीना, लीवर है तो जिंदगी है। क्या? व्हाट अ जोक। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। संभाल के हेलो मुकेश सर, हमारी डांसर रोजी को कोई किडनैप करके ले गया है। गोवा हाईवे रोड पर प्लीज चेक कीजिए सर। दीदी, पुलिस की जीप आई है। क्या मुकेश सर आए हैं? नहीं दीदी, पांडिचेरी की गाड़ी है। सर, ये है पांडिचेरी के अरुण कुमार जी का रिक्वेस्ट लेटर। ये डॉक्टर रॉबिन थॉमस का लेटर। आपसे एक हेल्प मांगने के लिए हम पांडिचेरी से यहाँ आए हैं सर। क्या हेल्प चाहिए, खुल के बताइए मैडम। मैडम, किसी की जान बचाने का मौका मिल रहा है आपको, उसमें आपको हमारी हेल्प करनी ही चाहिए। वी वांट रोजी। रोजी? वो क्यों? कल रात पांडिचेरी में एक एक्सीडेंट हुआ था। अभी आईसीयू में है, उसे यहाँ सत्या लेकर आया था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। डोंट वरी डेविड, शी इज नॉट गोना वेक अप। किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। डॉक्टर, हाउ इज सी डॉक्टर? उनको ओटी में शिफ्ट किया है, इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। ओके। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। मीनल का ब्लड वेरी रेयर एंड पिक्यूलियर ग्रुप है। पांडिचेरी या चेन्नई में इस ग्रुप का कोई इंसान नहीं है, लेकिन इस ग्रुप का एक इंसान है, हम उसे खोज रहे हैं। वो इंसान इस समय कहीं दूर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयर ग्रुप है ये ओ पॉजिटिव। जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी दूसरे इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है, पर वो किसी से ले नहीं सकता। इस तरह के ब्लड ग्रुप को सिर्फ सेम ग्रुप वाला ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
यस डॉक्टर, हम बस निकलने ही वाले हैं। ओके डॉक्टर, ब्लड बैंक की अथॉरिटी से पता किया, उसके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक साउथ इंडिया से सिर्फ दो लोग ही इस ग्रुप के हैं। उनमें से एक कोडाईकनाल की सरोजा है जो पिछले महीने ही मर चुकी है, दूसरा इंसान यहीं पर है, रोजी। रोजी को ले जाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, मना किया तो सर्च करके साथ ले जाने का ऑर्डर भी हमारे पास है। प्लीज रोजी को बुलाइए। अंजलि, अब सब कुछ समझ में आ गया मुझे। जान बचाने की बात है तो भेज देती हूँ, लेकर जाइए मैडम, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। रोजी को बुलाओ। अब जो भी आकर पूछे तो दो नहीं बोलना, एक ही रोजी थी। अभी एसआई संध्या पांडिचेरी उसी रोजी को लेकर गई है, समझी ना? दूसरी रोजी को मरना होगा। डेविड सर, वो हमें कैसे भी वापस मिलनी चाहिए। डॉक्टर जानकी, मैं डेविड, रोजी यहाँ से पुलिस वालों के साथ निकल चुकी है। ओके। डेविड एक अच्छे इंसान है, अगर वो हेल्प नहीं करते तो रोजी को ऐसी जगह से पुलिस भी नहीं निकाल सकती थी। डॉक्टर, ब्लड मिल गया तो बचाया जा सकता है ना? बिल्कुल बचाया जा सकता है। अगर नहीं मिला तो? तो वो नहीं बच पाएगी। चली जा, ये एरिया छोड़कर चली जा, ये एरिया छोड़कर चली जा। What's the next step? What are you planning to do? वो तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? खुद से पूछ। सत्या, I'll break my plan. मीनल जिंदा रही तो नुकसान मुझे ही होगा, लेकिन तुम रोजी को लेकर पांडिचेरी पहुंचना चाहो तो मैं पहुंचने नहीं दूंगा। उस डांसर को अपने साथ लेकर वहां से बच तो आए, लेकिन द होल रोड इज अंडर माई कंट्रोल। सत्या, तू मीनल और रोजी को छोड़ दे, उसमें तुझे ही फायदा होगा, अंडरस्टैंड? बेटा डेविड, फायदा नुकसान तो समझ में आ गया मेरे, लेकिन हाँ, आज तक तू रम्मी के टेबल पर तो जीत नहीं पाया, तो फिर रोड के खेल में क्या जीत पाएगा? रोजी को मैं अस्पताल लेकर जरूर पहुंचूंगा। क्या सत्या, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? क्यों फालतू में बात कर रहा है? फोन रखना रे, ए, चल फोन रख। तेरी 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 तो सर पे जब से चोट लगी है गालियां भी भूल गया हूं मैं। तेरी बाप की, तुझे हंसी आ रही है ना? मेरे माँ बाप ने कितना प्यार से पाला था मुझको, और तूने मेरे सर पे बोतल मार दी। सत्या ब्रेक मार। संभाल के, डेविड, व्हाट हैपेंड? वो विजय के एरिया तक पहुंच गया है। बॉम्बे ओ पॉजिटिव, फॉरगेट इट। Thank you.
तेरी इतनी हिम्मत, डेविड भाई की बहन को किडनैप कर लिया क्या? लव करता है तुझे? यही मार के उस लड़की को सौंपूंगा तो 30 लाख मिलेंगे मुझे, समझा? सुपारी लिए तेरी, जा बे ले क्या उसे। अरे वाह, लड़की को छुपा लेगा तो क्या हम उठा नहीं पाएंगे? पहले तो तुझे एक टपकाता हूँ तेरी तो। उस लड़की का 4 साल पहले का एड्रेस IMA के पास है। हमें उसका पता लगाकर देखना होगा कि वो जिंदा है भी या नहीं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, ये सब ना हो ये भी चेक करना होगा। शी शुड बी हेल्दी। इतनी दूर जाकर भी हमें पता नहीं है कि वो जिंदा मिलेगी भी या नहीं। मिनल का सिर्फ प्यार ही नहीं, जिंदगी भी अब तुम्हारे हाथों में है, जो तुम्हें बचानी ही होगी। तुम बिन बोले कहाँ चल दिए, तुमको मैं खो
खोजू जाने कहाँ, खोजू यहाँ वहाँ तू कहाँ, तू बता देवता अब तू है कहाँ, तू कहाँ तू कहाँ, खोजू तुझको तू कहाँ तू कहाँ। ऐ मेरे दिल क्यों ना समझता, तू है मेरा दोनों जहाँ। तेरी आदतों मुझे ऐसे हर राती, जाने अब तू होगी कहाँ, मुझको तेरी बातें हर पल सताती, मेरा छूटने लगा है जहाँ। तुमको मुझसे कोई जुदा कर सकता नहीं, तुझे पाके रहूंगा होगी जहाँ कहीं, मेरी जान तेरे लिए हूँ है तेरे संग मेरा जीना मरना, तुझे पाके रहूंगा कहीं भी तू होगी। डेविड कहाँ तक पहुँचे? मीनल के पल्स डाउन होते जा रहे हैं। He's on the way. Let me ask you something. जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसे आइडेंटिफाई किया गया? No. मीनल का कोई दुश्मन? ना दुश्मन है ना कोई रिश्तेदार। ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट है ऐसा भरोसा दिलाया जा रहा है। खैर ये सब छोड़िए, सच्चाई का पता तो बाद में लग ही जाएगा। मामला जरा सीरियस है। भगवान ने चाहा तो हम पुलिस की मदद से अपना कुछ काम बना सकते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, 10-12 करोड़ कैसे गायब हो गए? मुंबई बैंगलोर में जो गायब हुए थे वो तो अलग है। आप भले ही भूल सकते हो लेकिन उसकी असली हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। अब बस प्रार्थना करो कि सब ठीक से हो जाए। अरे तू कहाँ है? नल्लूर पालियम? ओके ओके मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, उसकी निगरानी कर रहा हूँ। सत्या थोड़ी जल्दी करना, मीनल की हालत बहुत खराब है। और हाँ, दिल्ली और कलकत्ता से भी ब्लड मंगवाया है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उसकी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है सत्या, बस जल्दी आ जाओ। क्या हुआ यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? यार मीनल का बीपी और पल्स दोनों घट रहे हैं, डॉक्टर का कहना है कि उम्मीद बहुत ही कम है।
टोनी हा? तुम्हें भोजपुरी आती है? हाँ आती है, आती है। हमका भोजपुरी आती है, बहुत बढ़िया। हाँ? अगर हम ओहिजा टाइम पे नहीं खे पहुँचल तो हमार कोनो जिम्मेदारी नहीं खे। कहे देत बानी सत्या को छोड़ दे, हमने के चलल जाई। अभी तक समझल नहीं के का? भाई इससे ज्यादा भोजपुरी नहीं आती मुझे। हे भगवान, अगर हम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचे तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, कह देती हूँ। ये हमारे काम ना आती तो धक्का मार के गिरा देता इसे। दूसरी कोई समझदार लड़की नहीं है क्या? तुम दोनों चुप बैठोगे? मैं तो कब से चुप बैठा हूँ। भाई पीछे तो कोई नहीं है, हम लोग सही रास्ते से जा रहे हैं ना? रुको रुको, गाड़ी वालों को वहाँ वहाँ। सारे पेपर्स लेके सर के पास चलो। हाँ सर, हाईवे पर चेकिंग करो। हाँ सर। सर नमस्ते। सर क्या हुआ सत्या, मुझे पहचाना नहीं? बिल्कुल सर, सब इंस्पेक्टर कडलूर से राजेश सर। हम दोनों जब भी रम्मी खेलते थे तुम हमेशा जीत जाते थे। अरे हाँ, तुम जिस लड़की को लेके आए थे वो कहाँ है? क्या कहा? मैं सब जानता हूँ। ये क्या है, रोड पर ही मैजिक शो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजी कहाँ है? रोजी मुझे नहीं पता सर, मुझे जल्दी जाना है। इस बार कार चेजिंग में डेविड जीते तो क्या और तुम जीतो तो क्या, लेकिन हाँ अभी मुझे क्रॉस करके आगे जाना है तो तुम्हें मुझसे जीतना होगा। सत्या मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे तो बस ये पसंद है। इसमें तुम अगर मुझसे जीत गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ना श्योर। तो फिर मैं चलूं ना? पच्चीस किलोमीटर के माइलस्टोन पे उतर, ठीक है? ये लो पकड़ो, सत्य अपना ख्याल रखना। ओके ये क्या, रोड पे ही मैजिक शो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सर। रोजी कहाँ है? रोजी मुझे नहीं पता सर, मुझे जल्दी जाना है। कहाँ जा रही है बेटी? कहाँ जा रही है? बस रोकने को कहो, ये सब जेके के लोग हैं। ए भगवान, लगता है बस में सारे इनके लोग हैं। अरे भाई गाड़ी रोको, अरे भाई गाड़ी रोको। यहाँ स्टॉप नहीं है भाई। अबे तू ऐसे गाड़ी नहीं रोकेगा, गाड़ी रोक वरना। ए छोड़ो से, छोड़। आज तो मेरे हाथ से कोई ना कोई मरेगा, ये रोक, काट डालूंगा नहीं तो। Thank you.
रोजी। सत्या, किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ जल्दी आना पड़ेगा। अरे डॉक्टर ने कहा है मैक्सिमम 10 मिनट, अभी तुम कहाँ पर हो? नहीं, 10 मिनट में नहीं आ पाऊंगा मैं। जल्दी चलो। मैम, शी इज रोजी। थैंक यू। वेलकम। ओके, कम ऑन, क्विक, इन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेकर जाओ। प्राइमरी टेस्ट या क्रॉस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम। इन्हें सीधा ले जाकर बेड पर लेटाओ। जल्दी जाओ। टोनी। अरे तुम्हें ट्रैप किया गया है। अरे सत्या को तो ब्लड चाहिए, लेकिन अंजलि को वायलिन चाहिए। वायलिन चाहिए? हाँ, इस बैग में ना वायलिन नहीं है, कैश है, लाखों रुपए। अरे ये कहाँ गई? वायलिन बैग समझकर उठा लाई थी। तब तुम्हें नहीं पता था, लेकिन अब तो पता चल गया ना। ये सारा पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे आगे की जिंदगी के लिए, भगवान की दी लॉटरी है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरा बैग नहीं है। तो फिर अब ये मेरा है। कुछ और होता तो मैं शायद ना बोल देता, लेकिन पैसे को ना बोल दूं, इतना पागल भी नहीं हूं मैं। ये मेरी वीकनेस है। इन पैसों के लिए टोनी तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओके बाय। टोनी, टोनी, हे भाई, वो उसे ले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाया। भाई तुम जाके उसे बचा लो।
कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 6 दिन बाकी है। उतार दो रोजी को। डरो मत डेविड, अपने दिमाग के मेमोरी कार्ड से मीनर का नाम डिलीट कर सकते हो। अब यह ऑपरेशन नहीं होने वाला, सडन डेथ हो जाएगी, समझ गए ना? डांसर रोजी के बदले कोई और डांसर रोजी है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आइए। यस, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। और हाँ, प्लान को सक्सेस करने के लिए ओरिजिनल रोजी को भी फिनिश करना होगा, ओके? सत्या, डूबते सूरज को मेरा सलाम। मैदान में उतरते ही जीत जाएगा, जैसे पत्तों में डेविड के सामने जीत गया था, यही सोचा था ना? लेकिन लास्ट कार्ड फेंकने से पहले ही तू हार गया। देख ले, देख लेना, रोजी का ब्लड वेस्ट होकर कैसे टपक रहा है। मीनल मरने वाली होगी और उसके मरने के बाद तुझे मैं यहां मार दूंगा, उसके बाद मैं सेफ हो जाऊंगा। यह है डेविड के खेल का स्टाइल। मैं अकेले ही पूरी बाजी पलट सकता हूं।
खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। तू क्या मुझे इस खेल में हराएगा? तू मुझे नहीं, मैं तुझे भगा रहा था। उस लड़की का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं है। सेफ्टी के साथ तूने जिसे अपनी निगरानी में पांडिचेरी के हॉस्पिटल तक पहुंचाया था, वही है रोजी, ओरिजिनल रोजी। और उसी का ब्लड मिनल को चाहिए था। वहां पर दो रोजी हैं। जिस रोजी को आप ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है। देखिए, ये है वो रोजी जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इसकी सेफ्टी के लिए ही मैंने वो फोटो चेंज कर दी थी। केस में सजा भुगतने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा डेविड। मैं पांडिचेरी में तेरा इंतजार करूंगा। अब तुम जा सकती हो। समय नहीं, सत्या को बोलो। हेलो सत्या, कहाँ हो तुम?